नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाकन। जिस मुलाकात को वित्त मंत्री अरुण जेटली चलते चलते हुई मुलाकात बता रहे थे, दरअसल उसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोची समझी मुलाकात बताया है। राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा आरोप लगाया कि माल्या केस में जेटली झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने माल्या के साथ बकायदा मुलाकात की और भगोड़े का भगाने में देश के वित्त मंत्री का हाथ है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि हो सकता है जेटली को पीएम से आदेश मिला। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी, और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे दो तीन शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है। फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि यह भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो। तो यह क्लियर कट कल्यूजन है, इसमें कोई ना कोई डील हुई है, और फाइनेंस मिनिस्टर को सीधा बता देना चाहिए क्या हुआ है, उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। सरकार में प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं सब कुछ, अरुण जेटली जी तो उनकी बात सुनते हैं, तो क्लियरली अरुण जेटली जी बताएं, क्या उन्होंने क्रिमिनल को हिंदुस्तान से भागने दिया या फिर ऑर्डर आया था मोदी जी से? दो ही बातें हो सकती हैं। दरअसल ये पूरा बवाल माल्या के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने जेटली से मुलाकात का खुलासा किया। वित्त मंत्री ने इसे गलत ठहराया, लेकिन विवाद यही नहीं थमा। आई लेफ्ट बिकॉज आई हैड अ स्केड्यूल्ड मीटिंग इन जिनेवा। आई मेट द फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर आई लेफ्ट, रिपीटेड माय ऑफर। विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया, जब से हम लोग सरकार में हैं। I happened to meet Mr. Jetley in Parliament and I told him that I was leaving for London and that I want to settle with the banks. And would he please facilitate discussions? क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे, तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहां बैठा हूं और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है, तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप जो कहना है बैंकर्स को कहिए। आई डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल मीटिंग स्केड्यूल्ड विद हिम। आई मेट हिम ऑफन इनफ इन पार्लियामेंट, इन द हाउस एंड इन सेंट्रल हॉल, एंड आई हैव एक्सप्रेस्ड टू हिम माय विलिंगनेस टू सेटल ऑन मेनी एन ओकेजन। मुझे इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह के ब्लफ पहले भी करते रहे हैं और वापस पैसा करना ये उनकी कभी भी नीयत नहीं थी, और इसलिए उनसे कोई कागज लिए बगैर इस एक वाक्य में उनको एक प्रकार से स्नब करके मैं आगे निकल गया। इसके अलावा मेरी पिछले 4-5 वर्षों में उनसे कभी बात नहीं हुई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव मेट मेनी कॉलीग्स इन पार्लियामेंट एंड एक्सप्रेस्ड टू देम माय डिजायर टू सेटल विद द बैंक्स। कांग्रेस ने झूठ नीति को राजनीति का एक तंत्र बनाया है, और हम जैसे लोग जो कई दशकों से राजनीति में हैं और साफ सुथरी राजनीति करते रहे हैं, इस प्रकार की राजनीति को समझ पाना भी उनके बस का नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से माल्या मामले में कांग्रेस वार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सिर्फ एक परिवार की भेंट चढ़ गए हैं, वहीं बीजेपी में कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरे देखो का दलों का हाल देखिए, वहां क्या हाल है।
कई बार तो मुझे कांग्रेस के अनेक पुराने कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने संघर्ष किया, जमीन पर काम किया, कभी कभी उनके प्रति बड़ी दया आती है, संवेदना का भाव आता है। उनका संघर्ष, उनका सामर्थ्य सिर्फ एक परिवार के काम ही आ रहा है, और अगर उस परिवार के काम नहीं आया तो बाहर एक से एक समर्थ लोग परिवार के विकास की भेंट चढ़ गए हैं। ये सिर्फ भाजपा ही हो सकता है कि जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता देश की सेवा हर स्तर पर कर सकता है। भाजपा में नाम से नहीं, काम से नेतृत्व तय होता है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता को संगठन के शीर्ष पर नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बात अब अहमदाबाद की करेंगे, क्योंकि कल वहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक ही परिवार में तीन लोगों की खुदकुशी के मामले में एक और सुसाइड नोट मिला है, जिसे पति और बेटी के साथ फांसी के फंदे पर झूलने वाली कविता त्रिवेदी ने लिखा है। कविता ने भी सुसाइड नोट में लिखा कि उसने काली शक्तियों की वजह से ही जान देने का फैसला किया। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक परिवार की खुदकुशी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पुलिस इस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है। पुलिस घर में मिले एक एक सामान की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मृतक कुणाल त्रिवेदी के घर से उसकी पत्नी कविता का भी एक सुसाइड नोट बरामद किया है। कविता ने भी अपने सुसाइड नोट में साफ साफ तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का जिक्र किया है। बेटी के स्कूल की कॉपी के पन्ने पर कविता ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है, ना वो मारना चाहती थी और ना जीने देना चाहती थी, इसलिए बहुत सोचने के बाद ये कदम उठा रहे हैं। आप सोचना कि क्या इंसान को कभी इतनी तकलीफ आ सकती है। हर दो चार दिन में एक नई बात सुनने को मिलती है और वो हमें शांति से जीने नहीं देना चाहती है। दुनिया इस बात को नहीं समझेगी, हमें पागल कहेगी, इसलिए हम लोग साथ जा रहे हैं। तंत्र मंत्र काली शक्तियों के चक्कर में पति और बेटी के साथ फांसी के फंदे पर झूलने वाली कविता त्रिवेदी अपने सुसाइड नोट में आगे लिखती है, कुणाल की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है, क्योंकि कुणाल के बिना जीना बहुत मुश्किल है। मतलब पूरा परिवार एक दूसरे से बेहद प्यार करता था, लेकिन इस परिवार की आंखों पर अंधविश्वास की इतनी मोटी पट्टी बंधी थी कि अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। इस परिवार को अपनी हर छोटी बड़ी परेशानियों के पीछे काली शक्तियां नजर आने लगी। पूरे खानदान ने काली शक्तियों से बचने के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का फैसला किया। अहमदाबाद पुलिस ये जानने में जुटी है कि आखिरकार कुणाल त्रिवेदी के परिवार के दिमाग में काला जादू और तंत्र मंत्र का भूत किसने डाला। गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। बात अब रेप के आरोपी आसिफ उर्फ आशु भाई गुरुजी की करेंगे, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। आशु महाराज को दिल्ली के शाहदरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आशु भाई गुरुदेव महाराज की, बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। तक आप किसी निश्चित जगह तक पहुंचेंगे नहीं, यूं ही भटकते रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे जीवन में सब कुछ मिला लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के शिकंजे में आया रेप का आरोपी आशु महाराज। मुसलमान से हिंदू बनकर लोगों की किस्मत बताने वाला आशु महाराज क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में। जी हां, आसिफ खान, ये है खुद को ज्योतिषी बताने वाले आशु भाई गुरुजी का असली नाम। अब उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहदरा से हिरासत में लिया है। अब उससे लगातार पूछताछ चल रही है। आशु महाराज पर गाजियाबाद के रहने वाले एक महिला ने हौज खास थाने में रेप का मामला दर्ज कराया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि आशु महाराज ने दिल्ली के अपने आश्रम में कई साल तक उसके साथ बलात्कार किया। सिर्फ यही नहीं, इलाज के नाम पर आशु महाराज ने उसकी बेटी को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। अब आसिफ खान उर्फ आशु महाराज को क्राइम ब्रांच के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। आशु महाराज का खेल खत्म। आशु महाराज महिला को कब से जानता था? आशु महाराज के आश्रम में महिला कब से आ रही थी? क्या आशु महाराज
इलाज के नाम पर अश्लील हरकतें करता था? क्या आशु महाराज ने महिला की बेटी से भी बलात्कार किया? क्या आशु महाराज ने अपने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना रखा था? खुद को ज्योतिषाचार्य बताने वाला ये आरोपी बाबा पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से फरार था। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था। इस बाबा के खिलाफ जांच तेज हुई तो पता चला कि निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में आशु भाई गुरुजी की फोटो के सामने उसका नाम आसिफ खान दर्ज है। बाबा के बेटे की फोटो के आगे समर खान लिखा हुआ है। आशु महाराज उर्फ आसिफ दूसरों का हाथ देखकर भविष्य बताने का दावा करता था, लेकिन अब वो क्राइम ब्रांच के हिरासत में है। दरअसल दिल्ली पुलिस पिछले काफी दिनों से आशु महाराज उर्फ आसिफ खान को तलाश रही थी, लेकिन आखिरकार शाहदरा की AATS यानी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने आशु महाराज को गाजियाबाद से धर दबोचा और उससे फिर कई घंटों तक यहां पर पूछताछ हुई इसी कार्यालय में, और उसके बाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले में आशु महाराज से सख्ती से पूछताछ कर रही है और तमाम जानकारियां एकत्र की जा रही है। कैमरा विपिन और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग उठी, दिल्ली आज तक। योग गुरु बाबा रामदेव लगातार अपने बिजनेस का विस्तार करते जा रहे हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब बेचेगी। बाबा रामदेव धूम मचाने के लिए 5 नए प्रोडक्ट्स के साथ तैयार हैं, जिसमें मुख्य तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे छाछ, दूध, दही शामिल है। बाबा जी, गाय के दूध के बने प्रोडक्ट आज आपने लॉन्च किए, आगे क्या? दूध, दही, छाछ, पनीर और इसके साथ हमने 5 यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। दुग्धामृत के जो कैटल फीड और फीड सप्लीमेंट्स और दिव्य जल और जो फ्रोजन वेजिटेबल्स, खास करके मटर, कॉर्न, ये सब वेजिटेबल्स भी जो वेस्ट हो जाते थे उनको ताज़ा रखा जाता है उसके अंदर, और उसकी किसी भी तरह से कोई क्वालिटी उसकी लॉस नहीं होती है, वो भी हमने करीब 50% सस्ते उपलब्ध कराए हैं। और जो गाय का दूध है यहाँ पर, क्योंकि विदेशी कंपनियाँ ज़्यादा उसमें नहीं है, नेस्ले है, लेकिन वो पाउडर और जो है वाइटनर, मिल्क वाइटनर ज़्यादा बेचती है। सीधा मदर डेयरी और अमूल से था मुकाबला, और उसमें आप देखेंगे तो मदर डेयरी, जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर विस्तार है दिल्ली में, उससे पतंजलि का दूध 2 रुपये सस्ता, और यदि दही की बात की जाए तो प्रति लीटर 10 रुपये उनसे सस्ता है। कोई एरिया बचा है बाबा जहाँ आप हाथ नहीं डाले हैं या डालने वाले हैं? देखिए, मैं तो किसान का बेटा हूँ, इसलिए गाय से और किसान से तो मेरा सीधा संबंध रहा है, और किसानों को समृद्धि मिले, उनको ज़्यादा दाम मिले अपने दूध के, और नागरिकों को भी दूध सस्ता मिले, इसलिए हमने अपना प्रॉफिट इसके अंदर नगण्य सा कर दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।